मेडिकल कॉलेज का करेंगे शिलान्यास, जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह, रैली को करेंगे संबोधित। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुख्ता किए गए इंतजाम। पच्चीस अक्टूबर को पीएम मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा, 9 मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। पीएम के आगमन की तैयारियां जारी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, रामबन के पास कैफेटेरिया मोड पर NH44 ब्लॉक, यातायात ठप। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यहां की सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार की रात कई अहम फैसले लिए। इसमें कहा गया कि सरकार हर साल प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को निशुल्क ड्रेस वितरण में होने वाली परेशानियों को खत्म करने के लिए अब सीधे उनके माता पिता के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। योगी कैबिनेट ने एक और अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि भारत डायनामिक लिमिटेड को झांसी में जमीन दी जाएगी और 183 हेक्टेयर की यह जमीन डिफेंस कॉरिडोर में दी जाएगी। आपको बता दें कि भारत डायनामिक आकाश मिसाइल निर्माण में काम करती है। उधर DRDO को भी 80 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दी जाएगी। ये वो तमाम चीजें हैं जो कल अहम बैठक की गई थी, उसमें फैसले लिए गए हैं। तो यानी कि अब मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि घाटी में CRPF की VVIP यूनिट ने डेरा डाल रखा है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की आज से जम्मू कश्मीर के दौरे की ये पहला दिन शुरू होने जा रहा है और इसके लिए CRPF की VIP यूनिट शुक्रवार को ही जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी थी। साथ ही आपको बता दें कि रैली स्थल भगवती नगर ग्राउंड का वरिष्ठ अफसरों ने दौरा भी किया, साथ ही स्पेशल यूनिट के कमांडो ने इसका मुआयना भी किया। ये कमांडो जो शनिवार को रैली स्थल को अपने घेरे में लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF मुख्य रूप से रैली में तैनात रहेगी। उधर 3000 कर्मियों को रैली की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। ऐसे में SSB CISF के जवानों को भी सुरक्षा में लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक CRPF की VIP यूनिट मुख्य रूप से स्टेज की सुरक्षा में रखी जाएगी। साथ ही बता दें JK पुलिस के कमांडो सहयोग करेंगे और ऐसे में शुक्रवार को ADGP मुकेश सिंह, SSP चंदन कोहली ने भगवती नगर का दौरा कर सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा भी की थी। साथ ही आपको बता दें कि आयोजन स्थल को सील कर दिया गया है। वहीं हैरक शख्स को पूरी जांच के बाद ही अंदर घुसने दिया जा रहा है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि भगवती नगर से जुड़ने वाले तमाम रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को अर्धसैनिक बलों के साथ तैनात किया गया है। वहीं तवी नदी के आसपास भी पुलिस और CRPF जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि आयोजन स्थल तवी नदी से सटा हुआ है, लिहाजा तवी नदी को भी सुरक्षा घेरे में लिया गया है। ऐसे में अमित शाह को के कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के साथ सभी चीफ के साथ उनकी बैठक है। साथ ही आपको बता दें IBMI, रॉ, JK पुलिस, CRPF, CISF और NIA के चीफ श्रीनगर पहुंच चुके हैं। साथ ही कश्मीर में टारगेट किलिंग और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए ये अफसर अपने अपने स्तर पर किए गए बंदोबस्त की जानकारी भी देंगे। तो आज से 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुँच चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पच्चीस अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा है और आपको बता दें कि अपने इस दौरे के दौरान वो जिले को कई बड़ी सौगात देंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे और ऐसे में उनके इस दौरे के दौरान वो मेडिकल कॉलेज समेत 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे और इसीलिए बड़े बड़े टेंट अभी से खड़े किए जा रहे हैं। लोगों के बैठने की वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर में मेडिकल
कॉलेज के अलावा देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, हरदोई, एटा, फतेहपुर और जौनपुर के साथ साथ कई मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन करेंगे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री का 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर दौरा है। अभी से तैयारियां कितनी जोरों पर है वो इन तस्वीरों के जरिए देखी जा सकती है। बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं, लोगों के बैठने की, लोगों के आने की व्यवस्था की जा रही है। तो आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे। ऐसे में वो जिले को कई बड़ी सौगातें देंगे, कई मेडिकल कॉलेज का वो उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और ऐसे में तैयारियां उनके आने की काफ़ी जोरों शोरों पर चल रही हैं। लगातार अधिकारी जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, इसीलिए पहले से ही हर वो सुविधा की जा रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, ताकि कोई भी किसी भी तरह की परेशानी उस समय पे ना हो। लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी उस समय उनके दौरे के दौरान लोगों को ना झेलनी पड़े। ऐसे में आपको बता दें कि वहाँ से वो जनता को संबोधित भी करेंगे और 9 मेडिकल कॉलेज का वो उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? रूबी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? रूबी, मैं जानना चाह रही थी 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे, क्या ताज़ा अपडेट है, अभी किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं? देखिए पारुल, 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई प्रोग्राम जैसे आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना है उसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही साथ 64 करोड़ की रुपए की जो योजना है उसकी भी शुरुआत करेंगे पीएम। और अभी जो ताज़ा खबरें मिल रही हैं उसमें सीधा सीधा यही है कि तैयारियाँ पूरी तरीके से अभी से चाक-चौबंद की जा रही है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ चूक चुका है और कहीं मौका नहीं देना चाहता है कि पीएम की सुरक्षा में कहीं से भी तेज लग सके। हालांकि डीजीपी खुद इस पूरी तरीके से आंदोलन अपने हाथ में ले रखे हैं, उन्होंने कल भी एक प्रेस वार्ता करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के जो प्रोग्राम है उसको चाक-चौबंद व्यवस्था की जाएगी और जो वहाँ की जो जनता है उसके लिए काफी खुशी की लहर है, जो एक को योजना मिलने वाली है। निश्चित तौर पर चुनावी सरगर्मियां जो बढ़ती जा रही है लगातार, लेकिन ऐसे में जो पुरानी योजनाएं बची हुई थी उन सभी को अब पूरा करने की कवायद जुट चुकी है बीजेपी। बिल्कुल रूबी, और जिस तरह से वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित भी करेंगे, तैयारियां की जा रही है, कितने लोगों की व्यवस्था वहाँ पहुँचने की जा रही है, और अगर बीजेपी सरकार के नेताओं की बात करें तो कौन कौन से बड़े चेहरे उस समय वहाँ पर मौजूद रहेंगे? पारू, देखिए अभी तक जो सूचना है इसमें यही है कि मतलब सीएम के साथ साथ गवर्नर भी मौजूद होंगी और बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, विधायक, उन सभी को पहुंचने के लिए कहा गया है। और खास तौर से व्यवस्था इस तरीके से की गई है, जो जनता है उनको बैरिकेडिंग के दूसरे तरफ छोड़ पे रखा गया है, जहाँ पे जनता जो आएगी वहाँ पे उनको बैठाया जाएगा। खास तौर से मीडिया के लिए अलग से इंतजाम किया गया है और इसके साथ ही साथ जो मंच है वो काफी बड़ा बनाया गया है, ताकि उन मंचों पे प्रधानमंत्री के साथ साथ सीएम योगी और उसके साथ गवर्नर और मंत्री जो होंगे वो मौजूद होंगे। और खास तौर से इंतजाम जो इस बार देखा जाएगा वो यही होगा कि जो जनता है उसके लिए खास तौर से इंतजाम किया गया है, क्योंकि भीड़ काफी पानी जा रही है कि जुटने की कवायद है, क्योंकि खास तौर से ये प्रोग्राम अब लास्ट माना जा रहा है पीएम का और ऐसे में हर एक पहुंचना चाहता है इस प्रोग्राम में, इसलिए अभी से जो इंतजाम है वो पूरे करने के लिए लोग जुट चुके हैं। चलिए रूपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा है 25 अक्टूबर को, जहां पर वो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें 9 मेडिकल कॉलेजों का वो उद्घाटन करेंगे, ऐसे में जनता को संबोधित भी करेंगे, तैयारियाँ उनके आगमन को लेकर लगातार जोरों शोरों पर की जा रही हैं।
यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आज से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है। लखनऊ से सटे बाराबंकी में प्रभारी प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बता दें बाराबंकी के अलावा आज ही सहारनपुर और वाराणसी से भी कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेगी। ऐसे में प्रियंका गांधी बाद में सहारनपुर और वाराणसी से शुरू होने वाले इस प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होंगी। तीनों ही यात्राओं बाराबंकी से प्रियंका गांधी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। ऐसे में बाराबंकी में यात्रा को रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी शिक्षा और नौकरियों में महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, किसान की कर्ज माफी, बिजली की दर आधे करने जैसे ऐलान भी कर सकती हैं। प्रियंका गांधी ऐलान कर चुकी हैं कि कांग्रेस यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देगी। इसके अलावा छात्राओं को मोबाइल और स्कूटी देने का वादा भी किया गया है। प्रतिज्ञा यात्रा के तहत यूपी के 4 इलाकों में 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालने की योजना है। ऐसे में 30 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली करने की भी तैयारी चल रही है। इसी वजह से फिलहाल 3 यात्राओं का कार्यक्रम तैयार हुआ है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी यूपी क्षेत्र और अवध क्षेत्र में 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलने वाली है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, आज से कांग्रेस की ये प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होने जा रही है, पूरी तरह से एक्टिव मोड में अब कांग्रेस नजर आ रही है। आज ये प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी, क्या कुछ अपडेट है, कितना समय और कब कितनी देर बाद ये प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होने वाली है? देखिए बिल्कुल बता दें आपको कि प्रियंका गांधी इस समय बाराबंकी में पहुंचने वाली है। वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और जहाँ से प्रियंका गांधी की शुरुआत बाराबंकी से रखी गई है, क्योंकि बाराबंकी से पीएल पुनिया भी सांसद रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं पीएल पुनिया सीट को दी जा रही है। इसलिए आज प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत होगी जो बाराबंकी से होगी और बाराबंकी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा था। आज से 20 साल पहले की बात की जाए तो कांग्रेस की ही प्रति एम एस जो कांग्रेस में गवर्नर रह चुके हैं, मुर्शिदा की प्रदेश में गवर्नर रह चुकी हैं, इसी से बाराबंकी से शुरुआत की नींव रखी गई है जो आज से शुरू होगी। बिल्कुल दानिश, देखिए कहीं अभी कुछ दिन पहले की बात कर लें तो कांग्रेस पूरी यूपी में कहीं खोई हुई सी नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से जब से लखीमपुर खीरी की हिंसा हुई उसके बाद से कांग्रेस एकदम जिस तरह से उभर कर सामने आ रही है, लगातार हर रोज कुछ ना कुछ कर रही है। पहले प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि वो 40% टिकट देंगी महिलाओं को, फिर छात्रों को उन्होंने स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया, अब ये प्रतिज्ञा रैली की जा रही है। तो यानी इस बार अब कांग्रेस बिल्कुल भी पीछे कदम नहीं हटाने वाली है। अब बिल्कुल देखिए विधानसभा चुनाव क्योंकि जैसे जैसे नजदीक पड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं, तो कांग्रेस भी इतनी पीछे नहीं है और प्रियंका गांधी तो कहीं ना कहीं एक अच्छा चेहरा माना जाता है उत्तर प्रदेश में और एक महिला होने के साथ साथ काफी एक्टिव है। और प्रियंका गांधी हाथरस कांड के बाद से लेकर के लगातार जो है एक्टिव है और लखीमपुर कांड में काफी ज्यादा सरकार को घेर चुकी है प्रियंका गांधी। तो इसीलिए प्रियंका गांधी ने एक आयोजन किया है जिसमें महिलाओं की भागीदारी को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि विपक्ष पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर कोई विपक्ष में दिक्कत करेगी प्रियंका गांधी की किस योजना इस सोच के तहत कि जो महिलाओं को आगे कर रहे हैं। अब विपक्ष की सोच से मजबूर हो गया है कि 40% महिला अगर कांग्रेस टिकट दे रही है तो अन्य पार्टियां भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए गंभीर दिख रही है। तो शुरुआत क्योंकि बाराबंकी से आज करेंगे ये प्रतिज्ञा यात्रा की, प्रियंका गांधी काफी एक्टिव मानी जा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो जान फूकने की बात की जाए अगर तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी है, पीएल पुनिया जी हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं, इन सबको के साथ साथ प्रियंका गांधी खुद लखनऊ में डटी हुई है। हर रोज वो दिल्ली और लखनऊ के दौरे पर है, हफ्ते में 2-3 दिन दौरा वो लखनऊ कर रही है, बाराबंकी कर रही है। तो आज प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगे तो बाराबंकी से सीतापुर, रायबरेली कई जिलों में होते हुए ये लोग निकलेंगे और इसी प्रतिज्ञा यात्रा के तहत एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि कांग्रेस से जो विकास को लेकर के महिलाओं के लिए भी कमी है और इसके साथ साथ जो प्रतिज्ञा यात्रा में जैसे कि मोबाइल का उपकरण है,
है ना, और इलेक्ट्रॉनिक जो जो स्कूटी का पूरा है ये भी कहेंगे कि प्रत्येक यात्रा में शामिल किया जाएगा। जी चलिए ठीक है दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में पूर्वी यूपी में यात्रा गोरखपुर रैली के बाद निकाली जाएगी। और साथ ही आपको बता दें इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने बड़े वादों को लोगों के बीच लेकर जाएगी, जिसे प्रतिज्ञा का नाम दिया गया है। वहीं योजना के मुताबिक बुंदेलखंड क्षेत्र में ये यात्रा बाराबंकी से शुरू होकर लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन होते हुए झांसी में जाकर खत्म हो जाएगी। और इसी तरह पश्चिमी यूपी क्षेत्र में सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा तक की यात्रा चलेगी। वहीं अगर अवध क्षेत्र की बात की जाए तो वहां ये यात्रा वाराणसी से होकर और चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी होते हुए रायबरेली में जाकर खत्म होगी। इस दौरान प्रियंका गांधी की सभाएं भी होने जा रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच आपको बता दें गोवा के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, वर्चुअल तरीके से सीधे वो बातचीत कर रहे हैं गोवा के लाभार्थियों से, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। नियुक्ति की उसके बाद सर हमने एक फॉर्मेट बनाया जो हमने सर गूगल शीट में भी उसको ट्रांसफर कर दिया। और इस फॉर्मेट में सर हमने पॉइंट्स लगा दिए कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स पर डेटा कलेक्ट करना था। इससे सर हमें बहुत आसानी हो गई, हर घर में जाकर हर व्यक्ति से पर्सनल इंटरेक्शन।